रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इस दादी के घर में लड़के रहते हैं 400 चमगादड़, निपह से नहीं लगता है डर मेहसाणा। जहां निपह वायरस का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि चमगादड़ देखते ही लोगों से हम जाते हैं, वहीं करीब 400 चमगादड़ों के साथ रहने वाली बुजुर्ग महिला को इसका कोई डर नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद के एक गांव की बुजुर्ग महिला ने उड़ने वाले स्तनधारी पक्षियों को अपना परिवार बना लिया है। वह अपने दो कमरे वाले घर में इन चमगादड़ों के साथ रहती हैं। चमगादड़ों से नहीं लगता है डर अहमदाबाद से करीब 50 किमी दूर स्थित राजपुर गांव की 74 वर्षीय शांताबेन प्रजापति को चमगादड़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता है। उन्हें गांव के लोग चमगादड़ के साथ रहने वाली दादी बुलाते हैं। शांताबेन का कहना है कि उन्होंने निपाह वायरस के बारे में काफी सुना है, लेकिन इससे वे डरती नहीं है। उनका कहना है कि वे एक दशक से चमगादड़ों के साथ रह रही हैं। वह बताती है कि उनके घर में लगातार चमगादड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब उनके घर की दीवारों पर पेंटिंग की बजाय सिर्फ चमगादड़ दिखाई देते हैं। चारों दीवारों पर चमगादड़ की और शांताबेन के घर की सभी दीवारों पर चमगादड़ चिपके हुए दिखाई पड़ते हैं। यह सब एक दशक पहले शुरू हुआ जब चमगादड़ों के एक समूह को उनके घर की दीवार पर पाया गया। पहली बार वे इन्हें देखकर डर गई थीं। इसके बाद वह इन्हें परिवार का सदस्य मानने लगीं। उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे चमगादड़ों से अब बिल्कुल नहीं डरती हैं। वह इन कमरों में अपना काफी समय व्यतीत करती हैं। क्या है निपाह वायरस? निपह वायरस एक ऐसा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। इस वायरस का मुख्य स्रोत चमगादड़ है जो फल खाते हैं। ऐसे चमगादड़ों को फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में निपाह वायरस के फैलने का सबसे अधिक खतरा है।